आदि शक्ति जगदम्बा की। भक्तजनों, सारी सृष्टि की अधिष्ठात्री अंबे मैया, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी शीश नवाते हैं, आइए इस घनघोर कलयुग में कुछ देर माँ के नाम का सुमिरन करके भव पार जाने का साधन करते हैं। जगत ये मैया ने उपजाया, जगत ये मैया ने उपजाया, जगत ये मैया ने उपजाया, जगत ये मैया ने उपजाया। धरती अंबर चांद सितारे, धरती अंबर चांद सितारे, ये सब माँ की माया, ये सब माँ की माया। जगत ये मैया ने उपजाया, जनों ध्यानु भक्त की कथा सुनाता हूं। माँ ज्वाला का परम भक्त ध्यानु, जिसकी भक्ति की परीक्षा जब अकबर ने लेनी चाही, तो माँ के भक्त ने अपना शीश उतार कर एक थाली में रख माँ के चरणों में समर्पित कर दिया था। ध्यानु की अनन्य भक्ति देख ज्वाला मैया प्रकट हुई और अपने हाथों से उसका शीश जोड़ा और भक्त और भक्ति की लाज रखी। तो बोलिए ज्वाला मैया की। ध्यानु का कटा शीश लगाने, ध्यानु का कटा शीश लगाने, ध्यानु का कटा शीश लगाने, खुद प्रगटे महामाया, खुद प्रगटे महामाया। जगत ये मैया ने उपजाया, मैया ने उपजाया। अब आगे श्रीधर पंडित की कथा सुनिए भक्तों। वैष्णो माँ के परम भक्त पंडित श्रीधर के मन में माँ के नाम का भंडारा करवाने की परम इच्छा थी, परंतु घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। फिर भी माँ के परम भक्त ने माँ की प्रेरणा से भंडारा करवाया और उसके भंडारे की लाज रखने हेतु ऊंचे पर्वतों से माँ वैष्णो रानी एक छोटी कंजका बनकर आई और स्वयं अपने हाथों से सारे गांव वालों को भंडारा खिलाया, भक्त और भक्ति की एक बार फिर लाज बचाई गई। बोलिए वैष्णो मैया की। छोटी कंजक बन कर आई, 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 सबको भोज खिलाया, सबको भोज
खिलाया जगत ये मैया ने उपजाया। ऐसी ही सच्ची श्रद्धा भक्ति और विश्वास से जब जब जिस जिसने माँ को पुकारा है भक्तों, माँ अपने बच्चों की पुकार पर ऊंचे भवनों को छोड़कर दौड़ी दौड़ी आ गई है। चाहे तारा रुक्मण के जागे की लाज रखनी हो, चाहे भैरोनाथ चंडमुंड शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे दैत्यों का अंत करना हो, माँ ने हर युग में हर समय हर रूप में अपने भक्तों की लाज बचाई है। तो बोलिए अम्बे रानी की। बच्चों के माँ थे परमाने, बच्चों के माँ थे परमाने, बच्चों के माँ थे परमाने, बच्चों के माँ थे परमाने। चंदन तिलक लगाया, चंदन तिलक लगाया, जगत ये मैया ने उपजाया।